भगवान ना करे कि क्षेत्र में कोई हादसा हो या फिर कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो जाए और हादसे व दुर्घटना में घायल मरीज को भवानीखेड़ा शहर में स्थित सामान्य हॉस्पिटल में हो रही स्टाफ की कमी खल जाए या फिर स्टाफ की कमी का शिकार हो जाए और उसका खामियाजा उस घायल और मरीज को भुगतना पड़े, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल स्टाफ की कमी है, इलाज नाम भरोसे है। भवानीखेड़ा शहर स्थित सामान्य हॉस्पिटल में कई सालों से स्टाफ की कमी बनी हुई है, जिसके कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्टाफ की कमी के चलते मरीजों को कस्बे में होने वाली बीमारियों व हादसों को दुर्घटनाओं के इलाज के लिए शहर में भागना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हॉस्पिटल के कर्मचारी हॉस्पिटल में हो रही स्टाफ की कमी की सूचना पहले भी कई बार विभागीय अधिकारियों को दे चुके हैं व सरकार को लिखित में भी दे चुके हैं इस समस्या की शिकायत, लेकिन फिर भी इसका कोई समाधान नहीं करता। स्टाफ की कमी का खामियाजा सामान्य हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को भुगतना पड़ता है। सरकार द्वारा अनेकों योजनाएं भी चलाई जाती हैं, जिससे यहाँ के ग्रामीण मरीज वंचित रह जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल की बिल्डिंग के हालात भी जर्जर बने हुए हैं, जिससे कि हॉस्पिटल में मरीज सुरक्षित नहीं है। हॉस्पिटल के निर्माण को लगभग 40 साल के आसपास हो चुके हैं। सरकारें तो सख्त हो गई हैं, लेकिन हॉस्पिटल की बिल्डिंग सख्त नहीं हो पाई। बिल्डिंग में जगह जगह दरारें बनी हुई हैं, जिसको लेकर भी कई बार शिकायतें भेजी जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी सिवाय आश्वासन के इसका कोई और समाधान नहीं किया गया। सामान्य नागरिक हॉस्पिटल में हो रही नागरिकों को डॉक्टरों की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। भवानीखेड़े में मेडिकल है, उसमें हमारी कोई सुनानी होती है, पर्ची देते हैं, बस पर्ची देख उनको ले लिया जो आई, डॉक्टर डॉक्टर कोई नहीं पाता जी टाइम पे। हमने और हमने एक 5-6 साल की बात होगी जी, मैं 3-4 पर्ची लेके गई और अभी डॉक्टर बोले अभी जड़ता है, मैं क्या था दवाई क्या तेने बोले अभी आया ही कौन रही, वो दवाई भी नहीं देते पीने की हमारे लिए सरकारी में भवानीखेड़ा बार की लिखते हैं जी दवाई। गरीब आदमी हमारी है भवानीखेड़ा का, हमारा नाम ब्रह्मो है, और कोई दवाई लेने जाओ कोई दवाई नहीं मिलती, ना डॉक्टर ना डॉक्टर देखते नाड़ी देखना, बस टेम्परेली काम कर दे बता दे, कोई बढ़िया डॉक्टर को नहीं बैठा है कोई, चाहे मरीज मरो चाहे बढ़िया डॉक्टर बैठता है, बढ़िया तो कोई बैठता है कौन जी। मारे अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है जी, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कंपाउंडर नहीं है, कोई गोली नहीं मिले, सरकार ने कुछ ही सुविधा नहीं दी है मारे अस्पताल में, कुछ को नहीं मिला भवानीखेड़ा। सामान्य अस्पताल भवानीखेड़ा में आजकल क्या मतलब काफी सालों से मेडिकल अफसर की कमी आई हुई है, मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और स्टाफ मेंबर जैसे क्लास 4 वगैरह हैं हमारे बहुत कम हैं, जिससे बहुत डिस्टर्ब होते हैं, और मेडिकल अफसर तो काफ़ी समय से नहीं यहाँ पे एक भी बाएँ दाएँ से, मतलब जैसे भी डेपुटेशन पे कराने पड़ रहे हैं, पेशेंट आते हैं 250-300, लेकिन मेडिकल अफसर कोई है ही नहीं, काम चला रहे हैं ऐसे ही, और बाकी हमारी जो बिल्डिंग है हॉस्पिटल की सारी जर्जर हो चुकी है। नागरिक अस्पताल भवानीखेड़ा में अभी स्टाफ की बहुत ही ज़्यादा कमी है, बहुत ही परेशान जूझ रहा है, इसमें 9 मेन तो MOs होते हैं, 9 MO पोस्ट खाली है, एक SMO पोस्ट खाली है, और एक डेंटल मैकेनिक खाली है, और 6 वार्ड सर्वेंट, 4 स्वीपर, एक नर्सिंग सिस्टर, ये सब खाली पोस्ट हैं, इससे बहुत ही मतलब व्यवस्था ख़राब हो चुकी है। नहीं अभी करणम घोष नहीं किया जाएगा, अभी इसी में काम चल रहा है, तो डिपार्टमेंट लिख चुके हैं इसके बारे में, विभाग का भी इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।